अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन का चैप्टर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हेन पॉइंट 0.232323 इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन देन द रिजल्ट इज। अब यहाँ पे 0.232323 और आगे डॉट 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 मीन्स जिस सो ऑन, ये ऐसी वैल्यू चलती जा रही है, ये रिकरिंग वैल्यू है, ये इसी तरह दोबारा रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसमें आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, मैं आपको एक पॉइंट की आपको बात बताता हूँ। इसके अंदर जो आप लोगों ने ये चेक करना है कि अगर ये जितने भी वैल्यूज रिपीट हो रही है, इसके लेफ्ट साइड पे अगर ज़ीरो है, अगर इसके लेफ्ट साइड पे पॉइंट के साथ अगर ज़ीरो है, तो ये वैल्यू बार बार ये रिपीट हो रही है, 2323 2323, ये बार 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 2 3 रिपीट हो रही है। तो इसको आप लोगों ने ऐसे लिख लेना है, 0.23 और ऊपर ये बार, ये जो बार जो साइन है, ये बार साइन ये शो करेगा कि ये वैल्यू दोबारा रिपीट हो रही है। अगर यहाँ पे 2 3 7 2 3 7 2 3 7 होता है, तो मैं फिर 2 3 7 के ऊपर मैं फिर बार लगाता, ठीक है। यानी कि अगर दो वैल्यूज हैं तो दो वैल्यूज के ऊपर बार, अगर तीन है एक है तो उसके एक वैल्यू के ऊपर बार आएगा। अब इसका आंसर क्या होगा आप लोगों ने याद रखना है, ये भी नहीं, ये हमेशा इसका आंसर यही होगा। यानी कि अगर यहाँ पर अगर 2 3 की जगह अगर 55 होती, तो 55 डिवाइडेड बाई 99 में कर देता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वैल्यू होती है 0.576, इस चीज़ इस तरह होती है, यानी 576 576 576 रिपीट हो रही होती। तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 576 डिवाइडेड बाई 999, यानी कि यहाँ पे दो डिजिट थे डिवाइडेड 99, यहाँ पे अगर तीन डिजिट होंगे डिवाइडेड 999, तो ये आपका राइट आंसर हमेशा आपका ये आपका होगा। ये बस आपने याद रखना है, यहाँ पे जैसे 23 था, 23 डिवाइडेड बाय 99, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। इस तरह का और कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, तो हमेशा आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, जो वैल्यू रिकरिंग होगी उसको डिवाइडेड बाय 99, अगर दो डिजिट है 99, तीन डिजिट है 999, फोर डिजिट है 99999, इस तरह हो जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 0.009 डिवाइडेड क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0.01। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को आप लोग एक्स भी सपोज कर सकते हैं, यानी कि जो आपको ऐसे भी आ सकता है 0.009 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 0.01। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी, 0.009 डिवाइडेड 0.01 इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू आएगा 0.009 डिवाइडेड 0.01। अब अगर इसका अगर पॉइंट अगर एंड होगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के आगे दो डिजिट है, पॉइंट का 1 और आगे दो डिजिट 2 0, इसका पॉइंट की जगह 1 आएगा और आगे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, तो ये इसके 3 डिजिट आ जाएंगे। यानी कि ये अब आंसर आ जाएगा 9 × 100 डिवाइडेड 1 × 1000, ठीक है जी। ये आप लोगों के जी 2 0 2 0 सा कैंसिल हो जाएंगे, ये 9 × 1 9 और 1 × 10 10 9 by 10 9 by 10 mean 0.9 9 by 10 mean 0.9, इसका मतलब आप लोगों की क्या ऑप्शन आएगी जी, सी ऑप्शन आप लोगों की राइट ऑप्शन होगी, ठीक है जी। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर का। इसमें ये कहा जा रहा है 3889 प्लस 12.952 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3854.002। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसको आप लोग एक्सपोज करें, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जस्ट आप लोगों ने प्लस माइनस वैल्यूज करनी है। यहाँ पे आप लोग इसको एक्सपोज करें, इसको बेशक आप लोग पहले प्लस भी कर सकते हैं इन दो वैल्यूज को, इन दो वैल्यूज को आप बेशक पहले प्लस कर लें या आप एंड पे आप प्लस करें, बात एक ही है। 3889 प्लस 12.952 माइनस एक्स इक्वल टू 3854.002। अब आप लोग एक्स को उधर ले जाएं, वो वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगी 3889 प्लस 12.952। इसको बेशक आप ब्रैकेट में कर लें, वैसे तो कोई इशू नहीं, चाहिए अब इसको प्लस माइनस इकट्ठे कर लें, इनको आप ब्रैकेट में करके उसको आप सेपरेट आप लिख लें ज़्यादा बेटर है। 3854.002 इज इक्वल टू, ये जो एक्स है ये माइनस का उधर चल जाएगा, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज मैंने इनको प्लस किया है, ये वाली जो वैल्यूज है ये आती हैं एक्स इक्वल टू इन दो वैल्यूज को प्लस किया गया, ये वैल्यूज ये आ रही थी 3901.952,
देखिए कभी कभार जो मतलब जो लेंथी जो क्वेश्चन होता है जिनकी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है उनके पहले से ही मैं इनकी कैलकुलेशन मतलब करके रखता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। इसमें अब माइनस ये वाली जो वैल्यू ये ऑलरेडी आई हुई है 3854.002, तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आना चाहिए 47.95। ठीक है जी, इसको आप लोग सेपरेटली आप माइनस अप करेंगे, आप लोगों का राइट आंसर आएगा 47.95। इसका मतलब आप लोगों के राइट ऑप्शन डी होगा। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स आपका चैप्टर जहाँ बेसिक मैथ का डेसिमल एंड फ्रैक्शन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 0.04 इंटू 0.0162 इज इक्वल टू, अब अगर आप आंसर्स आप चेक करेंगे तो आंसर्स आपके 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5 और 10 की पावर -6 में दिए गए हैं। अगर ये आपकी वैल्यूज इस तरह दी गई हैं तो इसका मतलब मुझे इनको सेपरेटली इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि अगर आप इनको आप मल्टीप्लाई आप कर लें तो मल्टीप्लाई करने से भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसने 10 की पावर में लिखा तो इसलिए आप आंसर इसको कैसे चेक करें। आप ये देखें यहाँ पे एंड पे 4 है, यहाँ पे 162 है, यानी कि अगर मैं 4 और 162 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा, 4 2 8, 4 6 24, 2 और 4 1 4 और 2 6, यानी कि आपका राइट आंसर आएगा 648। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस आप चेक करेंगे तो आपके सारी ऑप्शन 648, 648, 648, ये 64 है, यानी कि ये तो नहीं हो सकती। ठीक है, अब आपकी ए बी सी में से अब आपकी कोई एक ऑप्शन है। अब आप लोगों ने चेक करना है कि इसके साथ 162 और 0.04 के साथ पॉइंट के कितने डेसिमल बनते हैं, यानी कि पॉइंट जो पॉइंट की जो पोजीशन वो कौन सी बनती है। देखिए यहाँ पे जैसे पहले आपको मैंने मल्टीप्लाई में आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, फॉर एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ 0.0162 मल्टीप्लाइड 0.04। अब मैं इसको जो भी इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना एंड पे मेरा जो आंसर आएगा, पहले आपको मैंने शायद एक दफ़ा बताया भी था कि आपने मल्टीप्लाई करते वक्त आपने पॉइंट को भूल जाना है, मल्टीप्लाई करते वक्त आपने पॉइंट को देखना ही नहीं कि पॉइंट है भी कि नहीं है। एंड पे जाके आंसर में आप लोगों ने फिर पॉइंट को लगाना है। पॉइंट आपने किस तरह लगाना है, देखें पॉइंट के राइट साइड पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, इस पॉइंट के कितने डिजिट हैं, 5 6, यानी कि 4 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए 6। आपने एंड में आंसर के आपने फिर 6 डिजिट्स आपने काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद आपने फिर पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे भी अब यही होगा कि इन ये जो 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स इसको आपने अब टोटल अब आपने 6 काउंट करना है। मसलन कैसे, 1 2 3 4 5 6 एंड देन आपका पॉइंट आपको लगना चाहिए। आपको इस पॉइंट के समझ आई कि मैंने आपको किस तरह ये पॉइंट ये लगवाया है। जी इस तरह आप लोगों को जो पॉइंट लगना चाहिए कि आप लोगों ने इसके टोटल अब 6 अब डिजिट अब आपने कंप्लीट करने हैं, 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है जी, ओके ओके। अब आपने चेक करना है कि आपका जो पॉइंट होता है पॉइंट इसने नॉन जीरो के बाद लगाया है, नॉन जीरो डिजिट मतलब 6 6 6 के बाद है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपको पॉइंट आपका लग गया, यानी कि ये कितने डिजिट चल के है, 1 2 3 4, इसका मतलब आपका राइट आंसर आएगा 6.4 है, 10 रेज पावर -4, ये आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, अब अगर इसको गौर से देखें तो पॉइंट आप लोगों का 4 डिजिट राइट साइड पे चल के है, अगर वही अगर पॉइंट अगर लेफ्ट साइड पे चल के जाए तो 10 की पावर +2 में जाता है, वही अगर राइट साइड पर अगर पॉइंट चल के आएगा तो 10 की पावर -2 में जाएगा, तो ये 10 की पावर -4 आप लोगों का बी ऑप्शन आप लोगों का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 4.2 × -1.9 × 1.9 / 2.3 × 6.1 किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये ए का स्क्वेयर बन रहा है, ये बी का स्क्वेयर, यानी कि ए इंटू ए बी इंटू बी, ये बन रहा है ए का स्क्वेयर माइनस ये बन रहा है बी का स्क्वेयर। अब यहाँ पे अगर नीचे वाली वैल्यूज अगर देखी जाए तो वो क्या बनती है, अभी में आप हमें थोड़ा सा आप हमें इसमें गौर करना होगा कि ये 2.3 और 6.1 कैसे आ सकता है। 2.3 अगर ए और बी को अगर मैं प्लस करूँ, 4.2 + 1.9, इसी तरह 4.2 और 1.9 को अगर मैं माइनस करूँ तो क्या बनता है, इसको अगर मैं प्लस करूँ ये बनता है 6.1, वही अगर इसको मैं माइनस करूँ 12 - 9 3 और 3 - ये बनता है 2.3। इसका मतलब ये एक ए माइनस बी आ रहे है और दूसरा जो बन रहा है वो ए प्लस बी बन रहा है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी मल्टीप्लाइड, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी। अब अगर इसमें वैल्यूज मैं पुट करूँ, देखें
ए स्क्वेयर मीन्स 4.2 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स 1.9 का स्क्वेयर डिवाइडेड ए प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स 4.2 माइनस 1.9 और ए प्लस बी मीन्स 4.2 प्लस 1.9। देखिए यहाँ पे 2.3 को मैंने 4.2 माइनस 1.9 लिख दिया, 6.1 को 4.2 प्लस 1.9 लिख दिया। अब इसका आपको फायदा क्या होगा, देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर मैं ओपन करूँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये नीचे अगर आप ये चेक करें, ये भी वही चीज़ है, 4.2 माइनस 1.9 और 4.2 प्लस 1.9। इसका कोई इशू नहीं कि माइनस वाली वैल्यू पहले लिखी है या वन पॉइंट प्लस वाली वैल्यू पहले लिखी है, कोई इशू नहीं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ये पूरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू आपका 1, आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो, चाहे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखो, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स चाहे 2 × 3 हो चाहे 3 × 2 हो, बात एक ही है, राइट। तो ये कैंसिल होकर आप लोगों का 1 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।